मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती मुनीरुज़्ज़मान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके लिए रास्ता छोड़ें और यहाँ उनके लिए कुर्सी का बंदोबस्त करें। الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولانا محمد اصحاب سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وسلم مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی منیر الزمان صاحب چشتی قدس ذل العالی جید قابل قدر صاحبان عزت و شرف علماء کرام مسلک اہل سنت کی خدمت کرنے والے مصلی رسول کی زیب و زینت علماء کرام اللہ یہ وجود سب کے قائم دائم رکھے آپ کی اس مسجد میں متعدد بار حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا اور مجھے جتنی بار بھی یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا گفتگو کے لیے مجھے کوئی عنوان نہیں دیا گیا کل غالباً کل مجھے اشتہار دیا گیا جس کے سرے پر ایک عبارت تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج کی محفل کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کا صاحب ایمان ہونا اس بابرکت سچے اور سچے اور کھرے عقیدے پر سنیوں کو کوئی بات سنانی ہے حق چاہے سورج جتنا روشن کیوں نہ ہو لیکن کہیں کیڑے مکوڑوں کی شکل میں باطل بھی نظر آتا ہے اور سورج جب عین نصف النہار کے پر جوبن وقت میں اپنی کرنیں
पूरी आबोताब से बिखेरता है और हर किरण रोशनी का पैगाम होती है। उस वक्त भी कई घर ऐसे होते हैं जिनमें अंधेरा होता है, तो सूरज का आना हक की सदाकत का खुला ऐलान है और सूरज के होते हुए तारीख रहना बदकिस्मती की निशानी है। ये उन्वान तो बड़ा ही काबिले तवज्जो और इसके लिए वक्त भी काफ़ी चाहिए और मेरे कान में हल्के से ये कहा गया कि 9 बजे दुआ भी करनी है। माशाल्लाह कोशिश तो होगी कि हम 9 बजे दुआ करें, बेहतर तो ये होगा कि हम अभी दुआ करें और गुफ्तगू बाद में करें, लेकिन इस मौजू का तकाजा ये है कि इस पर कुछ इतनी बातें ज़रूर हो जाएं कि जैसे मेरे नौजवान स्पीकर ने अभी यहाँ एक बात कही कि नौजवान नस्ल जो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में रहती हैं तो बड़ी आसानी से इनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, ये सीधे रास्ते पर चल रहे होते हैं और आगे डाइवर्जन का साइन बगैर किसी वजह के लगा देते हैं। रास्ता क्लियर है, कोई रोड वर्क नहीं हो रहा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, कोई एक्सीडेंट भी नहीं है, कोई इंसिडेंट भी नहीं है, तो फिर हमें डाइवर्ट क्यों करते हो? जिनका रास्ता जन्नत है उन्हें डाइवर्ट कोई नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी मुसीबत, दुनिया समझती है हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हर आने वाला दिन तरक्की का नहीं बल्कि तनज़ुल का दिन है। आने वाली हर रात ये उरूज की तरफ नहीं बल्कि जवाल की तरफ ले जा रही है। जितना आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तरक्की की है और इंटरनेट ने जितनी तरक्की की है, लोग घरों में बैठ के खुद रिसर्चर बन चुके हैं, खुद ही रिसर्च करने लगे हैं, और वो जिन्होंने 14-14 साल दर्स निज़ामी पढ़ा उनकी रिसर्च को पढ़ नहीं सकते। ये जो इंटरनेट है ना, इससे जिसने हिदायत हासिल की तो याद रखो ये तुम्हें फंसाने का एक बड़ा खूबसूरत जाल है। यहाँ पर एक ही बात जो बातिल होगी उसको हक करके बताना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जानने वालों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। हम उस मीडिया की बात करते हैं जिसे कुरान कहा जाता है और जिसे हदीस कहा जाता है। ये मीडियम बदलने वाला नहीं और ये निसाब बदलने वाला नहीं। ना दीन बदलता है, ना कुरान बदलता है, ना साहिब कुरान का फैजान बदलता है। इसलिए हम उस बात पर मुजतमे रहेंगे, उस बात से अपना ताल्लुक कायम रखेंगे जो हर दौर में मारूफ भी रही, मकबूल भी रही, महबूब भी रही। और वो क्या है? अल्लज़ी यराका हीन तकूम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अपने महबूब को कि वो जात जो आपको देखती है ही ना तकूम जब आप क़याम फरमाते हैं। नबी पाक जब क़याम फरमाते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि मैं आपको देखता हूं। और ये सिर्फ क़याम की बात नहीं, ये सिर्फ तख़सीस के लिए आया, वरना उमूमी बयान ये है फ़इन्नका बिआयुनिना, तुम हर वक्त मेरी निगाहों में रहते हो। नबी पाक का जो उमूमी हुक्म है वो खुदा की निगाह लुत्फ़ करम में एक आन नहीं रहते, हर आन रहते हैं, सुबह शाम रहते हैं। यही हमारा अकीदा है।
लेकिन इस आयत में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुफस्सरीन जो इश्क़े मुहम्मदी की नूरानियत से ताबीर कैफियत से मुजयन हैं, उन्होंने कहा अल्लज़ी यराका हीना तकूम वक्त तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन, कहा कि अल्लाह देखता है जब आप क़याम करते हैं, और अल्लाह ने देखा, अल्लाह आपको देखता रहा। किस तरह देखता रहा? तकल्लुब, तकल्लुब का मतलब क्या होता है? ये पलटने को अरबी जबान में कल्ब कहते हैं। पलटने को क्या कहते हैं? बोलो सारे, थोड़ा कल्ब है कि नहीं? बोलो, वरना है इधर एक जमात जो कल्ब जारी करती है, उनको बुलाता हूं मैं। वो एक ही जल्दी मार दें तो ताकि कपड़े फट जाने बंदे। कल्ब का माना क्या है? बोलो ना, पलटना। और इसी से फिर बाब इन्फियाल से सीगा इनकलाब आता है, जिसमें आप देखते हैं कि जो जितना पुराना निज़ाम होता है उसको उलट पलट के नई चीज लाते हैं, इसलिए उसको इनकलाब कहते हैं। उसमें भी पलटने का माना होता है। और यहां क्या है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह फरमाया कद नरा तकल्लुब वजह का फिस समा, कि तहकीक हमने देखा है आपका आसमान की तरफ चेहरे को बार बार पलटना। तकल्लुब बाब तफाउल से, यानी चेहरे का बार बार पलटना, चूंकि बाब तफाउल का खासा है कि इसमें फेल मुकर्रर होता है, बार बार होता है। कल्ब का माना पलटना होता है और तकल्लुब का माना बार बार पलटना होता है। बात समझे कि नहीं? क्या मतलब है बार बार पलटना? और इसी तरह करवट लेने के माने में भी आता है। और बाद अहले मोहब्बत ने तर्जमा यह किया कि महबूब हमने तुम्हारी करवटों के बदलने को भी देखा है। तुम जो करवट लेते हो और इसमें पलटना होता है ना, करवट लेने में भी पलटने का मफहूम वाजे है। तुम जब सोते हो तो पासे परतने हो गए नहीं? दसो ना, थोड़ी जबान तो थोड़े आसान हो सी, जरा पासा परतने, यही तो कल्लुब है। कभी एक तरफ या एक तरफ सो गए तो फिर दो दिन बाद उठते हो, फिर वापस दूसरी तरफ भी हो जाते हो। तो ये कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, एक हैसियत से दूसरी हैसियत को पलट जाना, इसको तकल्लुब कहते हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हें सजदे वालों में पलटते हुए करवटें लेते हुए महबूब देख रहा हूं, सजदे वालों में। और सजदे वालों में कौन है? अहले इल्म ने बताया कि ये इसमें जो वो लिनियज की बात कर रहे हैं, यहां असाजिदीन से मुराद वही सिलसिला नसब मुस्तफा है कि ए महबूब तुम सजदे वालों से होते हुए आदम से, आदम भी साजद थे, नूह भी साजद थे, इदरीस भी साजद थे, इब्राहिम भी साजद थे, इस्माइल भी साजद थे, यहां तक के बनू हाशिम में आए, इन सारों में जब तुम आते रहे, ये जितने भी नबी हैं सब साजिदीन हैं, तुम सब में करवटें बदलते रहे। आदम से करवट बदली तो नूह में आए, नूह से करवट बदली तो इदरीस में आए, और इस तरह करवटें लेते लेते हजरत अब्दुल्ला के पास आए। ये आयत इस बात को साबित करती है कि आदम से लेके अब्दुल्ला तक मुस्तफा जिन करवटों से बदलते हुए इस जमीन पर आए हैं, वो सब खुदा के मकबूल बंदे थे। कौन थे? अल्लाह ने साजिदीन फरमाया है, अल्लाह ने साजिदीन फरमाया है। तो सजदे वालों में जिसे खुदा ने रखा, मुझे बताओ नबी पाक कायनात की सबसे मोहतरम हस्ती है कि नहीं? पीछे वालों का अकीदा है नबी पाक सबसे मोहतरम हस्ती है?
बताओ उन जैसी सूरत किसी की है? नहीं। उन जैसी शरीयत किसी की है? नहीं। बताओ उन जैसी उम्मत किसी की है? नहीं। उन पर जो किताब आई ऐसे किताब किसी की है? नहीं। जब नहीं है तो फिर पता चला ये कायनात की सबसे अहम तखलीक है, बल्कि कायनात की तखलीक की असल है, असल तखलीक कायनात है। ये ना हो तो कायनात का वजूद तसव्वुर में नहीं आता, ये ना हो तो ना सूरत नजर आए, ना सीरत नजर आए, ना शरीयत नजर आए, ना मजहब नजर आए। खुद खुदा अपनी रुबूबियत का ऐलान भी इस तखलीक के जरिए फरमाता है। मुझे बताओ जब कायनात की सबसे आला तखलीक को अल्लाह ताला ने शक्ल इंसानी में लाना है, और फिर इस आला तखलीक को जब शक्ल इंसानी में लाना है तो इसे कहां से लाएगा? इसे आलम रूहानियत से, आलम अनवार से इसे मुतशक्कल करके आलम इंसानियत में लेकर आ रहा है। अब मुझे बताओ अल्लाह ने जो कुछ भी नबी को दिया वो अफजल और आला था कि नहीं? बोलो। नबी पाक की बीवियों के लिए अल्लाह फरमाता है लस्तुन्नका हदिम मिन नसाइल आलमीन, तुम जैसी औरतें सारे आलमीन में नहीं है। क्यों? तुम नबी के घर में हो, तुम नबी की जोजा हो, इसलिए तुम जैसा कोई नहीं। और बताओ हसन हुसैन जैसा कोई नजर आता है? फातिमा जैसा कोई नजर आता है? जब नजर नहीं आता पता चला नबी खास है। कलाम जो दिया वो खास दिया, औलाद दी तो खास दी, अजवाज दिए तो खास दिए, शरीयत दी तो खास दी, जमाना दिया तो खास दिया, सूरत दी तो निराली दी, सीरत दी तो सबसे आला दी। ये सारे अव्वलीन व आखरीन में मुमताज है। जब उसकी हर चीज आला है तो उसके वालिदैन कैसे आला नहीं हो सकते हैं? अगर वो खुद आला है तो उसकी माँ भी आला होगी, उसका बाप भी आला, वो भी आला होगा, वो भी आला होगा, और इसमें शक नहीं हो सकता। अब मैं चंद बातें आपकी तफहीम के लिए कर रहा हूं। जज्बाती तकरीर में बहुत अच्छी तरह करना जानता हूं, लेकिन मैं जज्बाती से ज्यादा मालूमाती करना चाहता हूं, ठीक है ना? आपको कुछ पता चल जाए यही मेरी सबसे बड़ी अल्लाह की बारगाह से आमदन है। अगर मैं आपको कुछ समझा जाऊं, देखो सुनो, नबी पाक खुद फरमाते हैं कुल्लु मौलूदे यूलदो अलल फितरा या अला फितरतिन। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कमा कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर पैदा होने वाला बच्चा ये अपनी फितरत पर पैदा होता। क्या फरमाया? हर पैदा होने वाला बच्चा, बोलते नहीं आप लोग, अपनी फितरत पे पैदा होता है। और नबी पाक ने हमें बताया कि फितरत क्या है? फितरत इस्लाम है। फितरत क्या है? फितरत खबासत नहीं हो सकती, फितरत जलालत नहीं हो सकती, फितरत नजासत नहीं हो सकती, फितरत किज़्ब, धोखा, फरेब, जिना, फिस्क व फुजूर नहीं हो सकता। फितरत क्या है? फितरत इस्लाम है। फितरत क्या है? इस्लाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी ने पूछा था कि मुशरकों के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं ये किधर होंगे, तो उसने फरमाया जिधर इन्हां दे प्यो माँ प्यो सन उसे पास ये भी जासन। फरमाया आपने हदीस मौजूद है, अल्लामा साहब को पता है, जिधर इनके माँ बाप जाएंगे उधर ये भी जाएंगे। नबी पाक ने अपना अपने ज़ोम के मुताबिक जो आपने समझा वो इरशाद फरमाया, लेकिन फिर जब कुरान की आयत उतरी वला तज़िरु वाज़िरतु विज़्रा उख़रा, कोई दुआ बंदा दुए का बोझ नहीं चाण वाला, तुसी जुल्म करो ते मैनू उसका कोई असर नहीं होने वाला, मां प्यो जुल्म करन ते उदा असर बच्चे ते नहीं होने वाला। मां और बाप दोनों काफिर हो, मुशरिक हो, यहूद हो, हनूद हो, तो वो उसकी औलाद पर असर अंदाज नहीं होगा। कब तक? जब तक के वो बालिग नहीं हो जाता। ये फिर नबी पाक को जब खुदा की तरफ से वही आई तो आपने अपने उस पहले कौल के मुताबिक उससे रुजू करते हुए ये फरमाया कि नहीं, वो जो मुशरिकीन के यहाँ पैदा हुआ ये उन मुशरिकीन का बोझ इस पर नहीं आएगा, ये जन्नत में जाएगा, वहां खिदमत करेगा। अव कमा कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत में जाएगा।
तो ये क्या है, ये वही कॉल है कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा, कि हर मौलूद हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है। और फितरत क्या है, बोलो ना, फितरत इस्लाम है। ये फितरत उस वक्त तक कायम रहती है जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता, और बुलूगत से पहले चाहे सिख का बच्चा हो, हिंदू का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, यहूदी का बच्चा हो, काफिर का हो, मुशरिक का हो, अगर बुलूगत से पहले मर जाए तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। ये है एक आम उसूल। क्या है? आम उसूल। अब तुम एक बात को गौर से सुनना कि जब हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए तो किस फितरत पर हुए, बोलो ना। नबी पाक ने फरमाया कि वो उसके मां बाप होते हैं जो उसको या यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं। कौन होते हैं? वालदैन। कब बनाते हैं? जब वो बचपन से लगे रहते हैं, लेकिन बनता तब है जिस दिन वो बालिग हो जाता है। चाहे वो यहूदियों की बातें करता रहे बचपन में, चाहे वो मुशरिकीन की बातें करता रहे, ईसाइयों की बातें करता रहे, लेकिन वो काउंट कौन सी जमात में होगा? मुसलमानों में काउंट होगा। अभी तक बुलूगत नहीं। तो मैं तो समझता हूं कि ईमान ना हो तो बालिग ना होना ही नेमत है। अगर ईमान ना नसीब हो तो फिर बालिग और जवान होना कोई नेमत नहीं, फिर कबले बुलूगत तक रहना और दुनिया से चले जाना ये खुशकिस्मतों का मुकद्दर है जो जिनको ये मकाम हासिल हो। और जवान होके अल्लाह के शिर्क में मुबतला हो जाए और कुफर में मुबतला हो जाए, उससे बेहतर है कि वो जवानी से पहले ही दुनिया छोड़ दे, क्योंकि ये आरजी दुनिया है, वो दायमी जहान। तो जब हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए, हजरत आमना पैदा हुई, ये फितरत इस्लाम पर पैदा हुए कि नहीं? जब ये इस्लाम में फितरत इस्लाम पर पैदा हुए तो कोई तारीख की किताब बताए कि इनके वालिदैन ने इन्हें या यहूदी बनाया हो या नसरानी बनाया हो या मुशरिक बनाया हो, आज तक कोई किताब ये हवाला नहीं दे सकती कि इनको इन्होंने ऐलान किया हो कि हम बुतों की पूजा को जायज समझते हैं या हम हजरत ईसा को खुदा का बेटा समझते हैं। इनमें से किसी ने यह दावा ना किया। जब दावा न किया तो फिर क्या साबित हुआ? ये फितरत पर पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह फितरत पर ही दुनिया से गए हैं। जब फितरत पर दुनिया से गए तो साबित हुआ ये गैर मोमिन नहीं बल्कि मोमिन ही शुमार होंगे। ये एक बात। आगे चलो, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि हमेशा से यह सिलसिला रहा कि अल्लाह ताला ने मुझे पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया। क्या फरमाया? पाक पुश्तों से। ये खूबसूरत जुमला है। क्या फरमाया? मुझे पाक पुश्तों से पाक रहमों में, बोलते नहीं आप, फरमाया असलाब तैयबा से अरहाम ताहिरा में मुझे अल्लाह ने मुंतकिल फरमाया, हर ऐब और हर नक्स और हर नजासत से पाक रखते हुए। और फिर फरमाया जब भी दो शाखें बनी, जब भी फरमाया लातन शाह वो शो बतैन के जब भी दो शाखें बनी तो फरमाया के जाल तो फी खैर हेमा, कहा के जब भी अल्लाह ताला ने दो शाखें बनाई तो फरमाया कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अल्लाह ताला ने उस शाख में डाल दिया हो जो गिरी हुई शाख हो, मुझे जब भी अल्लाह ने तकसीम करना चाहा उस शाख में रखा जो उनमें बेहतर शाख थी। कुंत फी खैर हिमा, कहा कि मैं उनके जो ज्यादा बेहतर थी उसमें से था, तो सबसे बेहतर। और फिर बुखारी शरीफ की जो रिवायत है जिसमें फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से मैं अरहाम में मुंतकिल होता रहा, करनन फकरनन। करनन फकरनन का मतलब क्या? एक जमाने से दूसरे जमाने में,
एक कर्ण से दूसरे कर्ण में, और फरमाया कि हर कर्ण में मेरे जितने भी अजदाद गुजरे हैं हर कर्ण में मेरा जद सबसे अफजल रहा है, मेरा जद सबसे अफजल रहा है। और ग्रैंड फादर को, ग्रेट ग्रैंड फादर को जद कहा जाता है। हर दौर में, हर कर्ण में, जब वो नस्ल बाकी रही, जिस जद से मैं आया वो सबसे अफजल रहा, यहां तक कि मैं हजरत अब्दुल्ला के यहां पैदा हुआ। और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं एक बात पूछता हूं, हुजूर ने फरमाया कि मैं सबसे बेहतर लोगों में से आया हूं। याद रखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन सब का एहसान नहीं, ये आदम से लेकर अब्दुल्ला तक किसी का नबी पर एहसान नहीं कि इनको यहां तक लेकर आए हैं। इनको शुक्र करना चाहिए कि खुदा ताला ने इनके जरिए से मोहम्मद को दुनिया में लाया। याद रखो, हम तो बहुत आगे की बात करते हैं। ईमान अब्दुल्ला और ईमान आमिना रदी अल्लाह अन्हुमा, ये तो एक मोमिन सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक कुरान की आयत का हिस्सा पेश करता हूं, इसको जरा गौर से सुनना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक। क्या फरमाया, क्या फरमाया? वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक। अगर आप इसके मफहूम पर गौर करो तो क्या है, अल्लाह फरमाता है कि एक मोमिन बंदा मुशरिक से बेहतर है। क्या फरमाया? मोमिन बंदा, अब्दे मोमिन, मुशरिक से बेहतर का तर्जमा अरबी में अक्सर खैर ही किया गया। जी तुसी नहीं कहते हो खैर है, जी खैर है, वो तुसा पता नहीं केड़े लफ्ज बोलते हो खैर है। ये खैर का मतलब होता है हर चीज से बेहतर। खैर का मतलब क्या, यानी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं उनमें से खैर एक होगी। क्या? और दलील ये है, तुम बताओ, तुम सारी उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत हमारी है ना? क्यों? अल्लाह ने बोला कुन तुम खैर उम्मत, खैर कहा ना, उम्मतें तो सारी हैं। और मोमिन और मोमिनात ये गुजरे हैं पीछे, और नबी के मानने वाले गुजरे हैं, लेकिन खैर उम्मत एक ही हो सकती है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारी उम्मतों में खैर उम्मत एक ही होगी। और वो कौन है? वो उम्मत मुस्तफा है। क्यों? कि अल्लाह ने फरमाया कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम खैर उम्मत हो। इस अल्लाह फरमाता है वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। क्यों फरमाया? कहा कि जितने भी एक एक अब्दे मोमिन, अब्दे मोमिन ये बेहतर है हर मुशरिक से। अब अगर इस जमीन का शर्क, इस जमीन का गर्ब, इसका शिमाल और इसका जनूब, और इसमें जितने जिंदा हैं और जितने मर गए हैं, इन सारों को, इनमें जितने भी मुशरिक हैं जो मर गए और जो जिंदा हैं और जिन्होंने कयामत तक आना है, इन सारे मुशरिकों को तराजू के एक पड़ले में रखो, और एक पड़ले में सिर्फ एक बंदा है मोमिन रखो। सारा जान रखने की जरूरत नहीं, दो मोमिन रखने की जरूरत नहीं, दो बंदों की गुंजाइश नहीं। इस तरकड़ी में और इस मीजान में और इस वजन में एक पड़ने में सारी कायनात के जिंदा, मुर्दा और कयामत तक आने वाले गैर मुस्लिम यहूद हुनूद और जितने भी मुशरिक हैं, इन सबको तराजू के एक पड़ने में रखो। वाला अब्दुम खैर, उनकी तफसीर उस वक्त नजर आएगी जब सारी कायनात एक पड़ने में है और एक तरफ सिर्फ एक बंदा है मोमिन खड़ा है, और कायनात खुद देख के बताएगी किसका वजन खुदा ने ज्यादा रखा। नारे तकबीर, सबसे ज्यादा वजन इस कायनात में तमाम काफिरों के मुकाबले में एक मोमिन का है। क्यों? वला अब्दुम खैरुम
میں مشرکین مشرکوں سے ایک عبد مومن زیادہ بہتر ہے. اور ایک اور حدیث جو مصنف عبد الرزاق میں مذکور ہے, دیگر کتب میں موجود ہے, وہاں پر یہ کھلے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ زمین پر کبھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب اس میں سات ایسے بندے نہ ہوں جو مسلمان نہ ہوں. کبھی ایسا وقت نہیں آیا, کبھی ایسا وقت زمین پر نہیں گزرا کہ اس میں سات بندے یا اس سے کچھ زیادہ نہ رہے ہوں جو مسلمان نہ ہوں, جو موحد نہ ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا, ایسا کبھی نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہ کہا کہ اگر ایسا کبھی بھی ہو جائے کہ زمین پر ایک بھی مسلمان نہ رہے تو فرمایا پھر زمین کا نظام باقی نہیں رہ سکتا, ہر چیز خدا تباہ و برباد کر ڈالے. اور قیامت آنے کا سبب بھی یہی ہوگا کہ جب آخری فرمایا نا لا تقوم الساعة, قیامت نہیں آنے والی, نہیں آنے والی. کہا کب تک؟ حتی, کہا جب تک کہ ایک بھی انسان لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے زمین کے سینے پر قیامت نہیں دیکھی جائے گی. جب تک ایک بھی مسلمان موجود ہے تو مجھے کہنے دو قیامت کے اس زلزلے کو روکنے والے قدم مومن کے ہی قدم ہیں. وہ دو قدم جب تک زمین کی سطح پر موجود ہیں, سطح زمین پر قیامت کا زلزلہ برپا نہیں ہو سکتا ہے. اس سے اندازہ کرو قیامت کہاں آئے گی. قیامت آسمانوں میں آئے گی کہ نہیں, بولو نا. قیامت سورج پر آئے گی کہ نہیں, چاند پر آئے گی کہ نہیں, ستاروں پر آئے گی کہ نہیں, بادلوں پر آئے گی کہ نہیں, ان پہاڑوں پر آئے گی کہ نہیں, سمندروں پر آئے گی کہ نہیں, اور ساری زمین کے شر گھر پر آئے گی کہ نہیں. پتہ چلا زمین سے آسمان تک قیامت یہ بپا ہونے والی ہے. سیاروں میں, ستاروں میں, آبشاروں میں, گلزاروں میں, جنگلات میں, جب 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 قیامت آئے گی ہر طرف آئے گی. لیکن جب تک ایک بھی مسلمان موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. اس سے اندازہ کر لو والا عبد مؤمن کون ہوتا ہے جو ایک مسلمان نے قیامت کو روک رکھا ہے. ایک مسلمان نے قیامت کو روک رکھا ہے اور ایک مومن نے قیامت کو برپا نہیں ہونے دیا تو مجھے یہ کہہ لینے دو کہ پھر ایمان کا درجہ کیا ہے, ایمان کی قیمت کیا ہے. یہ نبی ویسے تو نہیں روتے رہے ایمان قبول کرو, یہ نبیوں نے سجدے میں گر کے ایسے تو دعائیں نہیں مانگی اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما, کیونکہ نبی جانتا ہے مومن کیا ہوتا ہے اور ایمان کسے کہا جاتا ہے. تم شکر کرو گناہگار ہو تو ہوتے رہو, ایمان تو ہے نا. یہ شرط نہیں رکھی کہ وہ تہجد بھی پڑھے تو کہاں قیامت نہیں آئے گی. کہا نہیں, لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو قیامت نہیں آئے گی. لا الہ الا اللہ جب تک کہہ رہا ہے, محمد الرسول اللہ جب تک کہہ رہا ہے قیامت نہیں آئے گی. اس میں تہجد کی شرط نہیں, تو یہ عمومی حکم ہے, اس میں کوئی مخصص نہیں ہے ایسی کہ جس کو ہم یہاں پر وارد کر کے اس کلام کے عموم کو خاص کر کے مقید کر ڈالیں. یہ عام کلام ہے اور اس کا حکم بھی عام ہوگا. اور وہ کیا کہ ایک بندہ مومن بھی اگر روئے زمین پر قائم ہے تو پھر قیامت نہیں آ سکتی. نبی پاک نے فرمایا کبھی ایسا وقت نہیں گزرا. امام عبد الرزاق نے اپنی سند سے اس روایت کو ذکر فرمایا کہ کبھی ایسا زمین پر وقت نہیں گزرا کہ اس میں سات یا اس سے کچھ زیادہ آدمی ایسے نہ رہے ہوں جو مسلمان نہ ہوں. یعنی سات یا اس سے کچھ زیادہ آدمی ضرور رہے ہیں جو مومن ہیں. تو مجھے بتاؤ وہ سات جب زمین پر تھے تو وہ سب سے زیادہ خیر تھے کہ نہیں؟ بولو نا, بولتے نہیں آپ. مسئلہ بتا رہا ہوں, یہ آپ کے پاس وہ ریپلائی ہے کہ جو آپ کو آبجیکٹ کرتا ہے اس آبجیکٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یہ ایک خوبصورت ریپلائی پیش کر رہا ہوں. جو کہے نا آپ کو تو یہ بتا دینا کیا کہ وہ سات مومن اس وقت ساری کائنات میں سب سے افضل ہے کہ نہیں, اس قرون میں سب سے بہتر ہے کہ نہیں. اور نبی پاک نے فرمایا کہ جتنے بھی قرن گزرے اس میں جو سب سے خیر تھے وہ میرے جد ہیں. بولو نا, وہ کون ہیں؟ وہ میرے جد ہیں. تو اگر وہ آپ کے جد
جد ہے تو جد اسی خیر تبھی ہوگا جب مومن ہوگا، کیونکہ ولا عبد خیر ولا عبد مومن خیر من مشرک، اگر آپ کے اجداد میں کوئی مشرک گزرا ہو تو پھر آپ سارے قرن میں سب سے زیادہ خیر والے اجداد میں سے نہیں آئے، لیکن نبی نے فرمایا کہ میرا سارا سلسلہ نسب آدم سے لے کے عبداللہ تک، یہ سارا سلسلہ نسب میں سب سے خیر اجداد میں سے آیا ہوں، اور سب سے خیر اجداد وہی ہو سکتا ہے جو کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو، موحد ہو، خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وہ جو سات لوگ رہے ہوں گے ان میں سے کوئی ایک جد میرے نبی کا جد ہوا۔ تا وقت ہے کہ جناب عبد المطلب کی گود میں آپ کو رکھا جاتا ہے، آپ خیر ہیں، اور آپ خیر تبھی ہوں گے جب آپ کے اس پورے سلسلے نسب میں کوئی ایسا نہ گزرا ہو، کوئی ایسا نہ گزرا ہو جو مومن نہ ہو، جو مشرک نہ ہو بلکہ کیا ہو، مومن ہو۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ حضور نے دو چیزیں ذکر فرمائی، لم یزل اللہ ینقلنی من اصلاب الطیبہ الى ارحام الطاہرہ، دو چیزیں ذکر فرمائی، طیب و طاہر۔ طیب کا ذکر صلب سے کیا، طاہر کا ذکر رحم سے کیا۔ دیکھو اولاد پہلے صلب میں ہوتی ہے، دیکھو پہلے رحم نہیں پیدا ہوا، پہلے صلب پیدا ہوا۔ صلب کیا ہوتی ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ صلب کہتے ہیں مرد کی پشت کو۔ تو بتاؤ پہلی پشت کس کی بنی؟ بولو نا۔ اور پہلا رحم حضرت ہوا۔ تخلیق میں آدم اول ہے نا، تو جب تخلیق میں آدم اول ہوئے تو پھر پشت انسان اول ہوئی تخلیق میں، اور پھر حضرت ہوا تخلیق میں مؤخر، وہ تخلیق میں مؤخر ہیں، بعد میں پیدا ہوئی، تو رحم بعد میں آیا۔ اس لیے پہلے ذکر حدیث میں کس کا ہوا؟ صلب کا ہوا، اور رحم کا بعد میں ہوا، اور پہلے فیض صلب میں ہی آیا، صلب سے ہی رحم میں گیا، صلب سے رحم میں گیا۔ سب سے پہلے فیض کہاں سے آیا؟ صلب سے آیا، اور صلب سے کہاں گیا؟ رحم میں گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تخلیق کے لیے کسی اور کو نہیں کہا کہ تم بیان کرو، نبی کو کہا تیری زبان پاک ہے تم خود بیان کرو، تم بیان کرو۔ کہا کیا؟ لم یزل اللہ ینقلنی من اصلاب الطیبہ الى ارحام الطاہرہ، کہا دو چیزوں سے انسان گزر کر آتا ہے اور پھر شکل انسان حاصل کرتا ہے، صلب سے ہو کے رحم میں آتا ہے، اور رحم سے پھر دنیا میں آ جاتا ہے۔ جب صلب سے آئے تو صلب کو دیکھنا ہوگا کہ صلب کیسی ہے، اور جب رحم میں آئے تو پھر رحم کو دیکھنا ہوگا رحم کیسا ہے۔ آپ بتاؤ، نبی پاک فرماتے ہیں میں جتنے بھی واسطوں سے آیا ہوں میں اصلاب سے ارحام میں منتقل ہوتا رہا، اصلاب سے ارحام میں منتقل۔ اسلام صلب کی جمع ہے اور ارحام رحم کی جمع ہے۔ کہا میں اسلام سے، تسی بھی تہاڈا بھی یہ فکر صلب ہو گیا، بلکہ صلب ہو گیا، سوری، ایک صلب ہوتا ہے ایک صلب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تسی زبر والے ہو سارے، بولتے ہی نہیں۔ میں کیا مسئلہ بتا رہا ہوں؟ سبحان اللہ، پہلے بتاؤ، پہلے رحم بنا ہے نا، پچھلے دسو، پچھلے پہلے رحم بنا ہے جی، او ماشاء اللہ، تو سب ریکارڈ ہی توڑ چھوڑے۔ پہلے کیا بنا؟ پہلے صلب اور پھر رحم، اور انسان کو خدا تعالی نے صلب سے رحم میں منتقل فرما کے دنیا میں پیدا کرنے کا ایک اصول پیدا فرمایا، کہ میں انسان بنانے کا طریقہ یہ وضع کر رہا ہوں، انسان بنانے کا یہ طریقہ میں خود کریٹ کر رہا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، میری قدرت ختم نہیں ہوتی، جب میں بنانے پر آؤں تو ان کے بغیر ہی بنا دیتا، میری قدرت کی بات نہیں، یہ میری اس عادت کی بات ہے جس کو میں نے تم میں مروج کیا ہے،
कुदरत तो यह है कि बिन माँ बाप के बनाए हैं, ऐसे भी है जिनको बिन बाप के बनाया है। कुदरत और है और आदत और है। अपनी आदत बता रहा हूं कि यह तरीका है। अब हुजूर ने फरमाया जितने भी सुलबे हैं, जितनी भी सुलबे हैं वो सब तैयब हैं। क्या है? तैयब वो सिगा है जो खुदा ताला की पाकिजगी पर भी बोला जाता है। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्त, तैयब आया कि नहीं बोलो ना। यानी तैयब की तहारत को समझने के लिए इसी पर गौर कर लो कि खुदा जब अपनी तहारत को बताना चाहे अपने लिए भी तैयब का लफ्ज इस्तेमाल फरमाता है। अत्तहियातु लिल्लाह, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब सरे अर्श दना फतदल्ला की मंजिलें और फकाना काबा का हुसैन और इससे आगे अव अदना, वहां से गुजर कर जब तमाम पर्दों को चाक करते हुए अब दो माबूद सामने आए तो मुस्तफा करीम ने जब लबहाए नूरानियत को दराज किया और इनको कुशादा फरमाया तो आपकी जबान से निकला अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अब पता चला कि अल्लाह के लिए भी लफ्ज तैयब आया। नबी पाक अपनी पैदाइश के लिए जिन सुलबों की बात कर रहे हैं उनके साथ भी तैयब का लफ्ज इस्तेमाल फरमा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं लफ्ज इस्तेमाल करने में मुहद्दिस भी गौर व फिक्र करता है, मुफस्सिर लाख बार सोचता है सीगा इस्तेमाल करते हुए कौन सा इस्तेमाल करूं, और आलिम बार बार सोचता है ये कलमा यहां इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। लेकिन वो एहतियात कोई नहीं कर सकता जो नबी खुद किया करता। नबी जो एहतियात कर सकता है वो नबी की उम्मत नहीं कर सकती। और नबी ने फरमाया कि मैं असलाब तैयब से अरहाम ताहिरा में मुंतकिल होते हुए आया हूं। पता चला नबी पाक ने तहारत के लिए अपनी सुल्ब के वक्त जो जिक्र सीगा फरमाया वो क्या है? फरमाया तैयब वो पाक सुलबे हैं, तैयब सुलबे हैं। और फिर फरमाया तैयब सुलब है और रहम में मुंतकिल होने का वक्त आया। कहा वो भी कोई आम रहम नहीं, जितने रहमों में आया हूं सब ताहिर है। ताहिरा वो सारी की सारी पाक है, सारी की सारी पाक है। ऐसी पाक रहम और ऐसे पाक सुलब कि जिनको देखो तो खुदा की कुदरतें नजर आए। और ये पाक क्यों हैं? इनको खुदा ने खुद पाक रखा है। क्यों? कि इसमें उसको अल्लाह ने गुजारना है। ये पूरा रूट है, ये एक पूरा रास्ता है। इस रास्ते का हर चौक खूबसूरत है, इस रास्ते का हर मोड़ खूबसूरत है। और इस रास्ते में सिर्फ तहारत है। वो जिस तरह एक रास्ते के दो किनारे होते हैं ऐसे ही नबी पाक के सफर विलादत में भी दो किनारे हैं, एक सुलब का किनारा है एक रहम का किनारा है। और ये किनारा भी पाक है वो किनारा भी पाक है। अब जब ये हर सुलब से आए और हर सुलब पाक है और सुलब से जब रहम में गए तो हर रहम पाक है, तो फिर ये बात माननी होगी कि ये पाक कैसे होगा, इसको पाक कैसे माना जाए, ये पाक कैसे मानोगे? पाक तभी मानोगे। ये कैसे पाक होता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। और अल्लाह ताला ने शिर्क को इन्नमल मुशरिकूना, अब देखो नतीजे पर बात आ रही, वो अगला सीगा उलमा पढ़ रहे हैं इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। अब नजस और ताहिर ये बताओ मुझे ये एक दूसरे की नकीज है कि नहीं? बोलो ना, बोलते नहीं तुम लोग। ये नकीज कहते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? मुझे बताओ, एक तरफ नजासत है एक तरफ तहारत है, एक तरफ तैयब और ताहिर चीज है एक है नजस। इसमें यही फर्क है जैसे काफिर और मुसलमान में फर्क होता है, जैसे जमीन और आसमान में फर्क होता है, जैसे आग और पानी में फर्क होता है, जैसे दिन और रात में फर्क होता है। फरमाया मुशरिक नजस है
और नबी कहते हैं मैं जिन सुलहों से आया हूं ये पाक हैं, जिन रहमों में आया हूं ये भी पाक हैं। अगर या नबी, अगर आप आने वाली रहमों में जिनसे आप गुजर कर आए वो अरहाम पाक हैं और वो असलाब पाक हैं, तो मानना पड़ेगा इनमें कोई भी मुशरिक नहीं रहा, सब खुदा की वहदानियत को मानने वाले। दोस्तों मुझे बताओ, एक तरफ शिर्क है और अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुशरिकून नजासुन, मुशरिक जड़े ना ए पलीदन। ए नजासत क्या होती है? देखो नजासत हुई हाथों को लग जाए धोना जरूरी है, बोले पड़ी नमाज हो जाएगी। नजासत जिस्म से निकले धोना जरूरी है। अल्लाह ने मुशरिकों को नजासत कहा है और नबी पाक के अगर आबाओ अजदाद को माजअल्लाह सुम्मा माजअल्लाह अल्लाह याउजु बिल्लाह नकले कुफर कुफर नवाशद अगर उन्हें मुशरिक समझोगे तो ये सुल्भ पाक कैसे हुई? अल्लाह ने जो कह दिया मुशरिक नापाक हैं तो ये सुल्भ कैसे पाक हुई? मुशरिक कोई उसका नाम देख के तो पाकीज़गी का नहीं पता चलता, उसका अकीदा साफ हो तो फिर सुल्भ भी पाक है, उसकी आंखें भी पाक हैं, उसके लब भी पाक हैं, उसके कदम भी पाक हैं, उसके हाथ भी पाक हैं, वो अंदर से भी पाक है, वो बाहर से भी पाक है। क्यों? मुवहिद है। क्या है? तो इन्नमल मुशरिकून नजसुन। और फरमाया वाला आप तुम खैरुम मिन मुशरिकिन, मैं तो फिर तुसा ठीक है। सुभान अल्लाह। ला इलाहा साहब को और दीगर उलमाए कराम जो तशरीफ़ फरमाए हैं और दरबार आलिया मुजद्दिदिया गंगोल शरीफ के वाबस्तगान और खुलफा और उनसे अकीदत रखने वाले और अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले आप जितने भी हैं, अल्लाह आप सबको उम्र में, अमल में, इलम में, रिज्क में, रोज़गार में और शब और रोज़ में, औलाद में, खुशियों में, राहतों में, सुकून में, इत्मीनान में बरकतें अता फरमाए, हमारे ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आखिर दावा यार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।